अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करते चलें पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम खान और पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने आज जो बड़ा ऐलान कर दिया है उसके बारे में नाज़रीन आपको आगाह करते चलें। और नाज़रीन, पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मोहम्मद आमिर की 5 साल बाद क्रिकेट की दुनिया में वापसी हुई है। नाज़रीन, आपके साथ बड़ी अहम खुशखबरी शेयर कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए। नाज़रीन, अगर आप भी मोहम्मद आमिर के सच्चे और पक्के फ़ैन्स हैं तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना है और बताना है कि मोहम्मद आमिर की वापसी से हम खुश हैं और ऐसा करना ही चाहिए था पाकिस्तान को। इंग्लैंड सीरीज़ में भी, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी ऐसा करना चाहिए था चीफ सिलेक्टर और रमीज़ राजा को, क्योंकि मोहम्मद आमिर के अलावा पाकिस्तान टीम बहुत ही नाकिस कारकर्दगी दिखा रही है। और नाज़रीन, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान टीम इस वक्त न्यूज़ीलैंड के लिए रवाना हो चुकी है ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हो सकता है कि मोहम्मद आमिर को भी वहां बुला लिया जाए, न्यूज़ीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज़ में भी इनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ।